ऑनलाइन टीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। त्योहारों का सीजन है और दिवाली काफी नजदीक है। ऐसे में दिवाली की चकाचौंध के बीच बाजार रोशन है, वहीं त्योहारों को देखते हुए एक और जहां जमकर खरीदारी हो रही है तो इसी बीच चंद रुपयों के मुनाफे कमाने के लिए मिलावटखोरों की दुकान भी सजकर तैयार है। जी हां, मिलावटखोर। त्योहार के सीजन में मिलावट आम बात हो गई है, होली हो या फिर दीपावली। प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी कुछ लोग मिठाई से लेकर दूध और घी में मिलावट कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उससे बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर क्यों हम मिलावटी चीजों में फर्क करने में धोखा खा जाते हैं, कैसे हम मिलावटी मिठाइयों की पहचान नहीं कर पाते हैं। लिहाजा इसी को देखते हुए आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में मिलावट का लाइव टेस्ट करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि मिलावटी मिठाइयां और बाकी मिलावटी चीजों की परख कैसे की जाए। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लेबोरेटरी के केमिस्ट हैं ये, और बताते हैं कि किस तरह से मिलावटी चीजों में आप फर्क करें, और इनका नाम है वीरेन जी। वीरेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो आज हम बताएंगे कि आखिरकार मिलावट चीजों को आप कैसे पहचाने और कैसे उसकी घर में आप पहचान कर सकते हैं और इन मिलावटी चीजों से आप बच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने तमाम वो चीजें मौजूद हैं जिनसे आप टेस्ट कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि आखिरकार किस चीज में किस तरह की मिलावट यहाँ पर की गई है। तो वीरेन जी, आप तैयार हैं? हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से जांच सकते हैं अपने घर में आप बैठ के। तो सबसे पहले हम डेयरी प्रोडक्ट्स को लेते हैं क्योंकि जी मैं आपको मिल्क दे देती हूँ कि आप अपना टेस्ट जो है फिर वो शुरू कर पाए। ठीक। तो दूध एक ऐसी चीज है, आप देखिए कि जब भी त्योहार होता है, पूजा पाठ आपके अगर घर में होती है तो आप दूध सबसे पहले लाते हैं क्योंकि उसकी खीर बनती है, मीठी चीजें बनती है और उसी में सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो मिलावट होती है। कैल्शियम से भरपूर होता है, बच्चों के लिए बेहद जरूरी बताया जाता है, लेकिन अगर बच्चे मिलावटी चीज को पिएंगे, मिलावटी दूध को पिएंगे तो देखिए उनका भविष्य कैसा होगा, कहीं ना कहीं बीमारियों की जकड़ में वो आ जाएंगे। तो ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि आप दूध को उस पौष्टिक चीज का सबसे पहले यहां पर जांच ले, परख ले और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। तो दूध का यहां पर हम जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से दूध की पहचान आप कर सकते हैं कि वो मिलावटी है या फिर नहीं, कि आपकी सेहत के लिए वो सबसे अच्छा है। सबसे पहले मैडम हम स्टार्च के स्टार्ट करते हैं मिल्क टेस्टिंग। स्टार्च तो हम लोग ना अप्रोक्स 5 ml मिल्क लेते हैं। मैं ये इसमें कोई क्वांटिटी का मतलब जरूरी है? नहीं, बस अप्रोक्स 2-3 ml ले लेते हैं। ऐसे कोई मेजरमेंट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताता चलूं, इसमें सबसे पहले ना स्टार्च जो मिलावट करते हैं, सबसे कॉमन मिलावट स्टार्च की है। तो स्टार्च में हम सिंगाड़े का आटा इसमें मिला देते हैं जो मिलावट करने वाले हैं। उससे क्या है, 10 liter ओरिजिनल मिल्क होता है और उसमें 40 liter वाटर मिला देते हैं जी। और 2 kg सिंगाड़े का आटा, तो मिला करके 50 liter मिल्क ऐसे तैयार कर लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें स्टार्च का चेक करने वाले हैं। ये हमारे पास आयोडीन के क्रिस्टल हैं जी। तो हम आयोडीन के क्रिस्टल इसमें डालने वाले हैं जी। बस 4-5 अगर इसमें स्टार्च की मिलावट होगी तो इसका जो कलर है वो ब्लू होना, ब्लू शेड आएगा। तो ये 10-15 seconds में आ जाता है, यानी कि अगर ये दूध मिलावटी है तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू शेड आएगा। तो अभी हम मिक्स कर रहे हैं इसको। हल्का सा इसको थोड़ी हीट देंगे, हीट देते हैं जी जी, हीट से ज्यादा मतलब कलर जो है वो पता चलता है कि मिलावटी है या नहीं जी जी। हम इसको रख देते हैं अभी ना, 1 minute के लिए रख देते हैं। तो 1 minute के लिए आप इसमें
इसको अगर रखेंगे तो वो हीट से जो यहाँ पर केमिकल मिलाया गया है उससे यहाँ पर ये पता चलेगा कि आखिरकार इस दूध में मिलावट है या फिर नहीं। अच्छा, अगर हम दूध के बारे में जाना चाहें कि मिलावट के लिए और क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती है। मिलावट के लिए एक्चुअली में फॉर्मेलिन भी मिला देते हैं, तो फॉर्मेलिन एक तरीके से कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है, कैंसर तक बना देता है। तो फॉर्मेलिन मिलाने का मकसद रहता है उनका, इसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, जो मिल्क है ना खराब नहीं होता 4-5 दिन तक, इस वजह से हम इसमें फॉर्मेलिन मिला देते हैं मिलाने वाले। और डिटर्जेंट भी हम सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए वो मिला देते हैं, ठीक है। इसके बाद उसमें सिंथेटिक मिल्क में रिफाइंड भी मिलता है, तो रिफाइंड में होता क्या है, रिफाइंड में जैसे मिल्क पाउडर लिया उन्होंने, 1 kg मिल्क पाउडर लेते हैं, उसमें 20 लीटर वाटर मिलाते हैं, और फिर रिफाइंड मिलाने का उनका जो मकसद होता है वो फैट को लेवल करना होता है। तो इस टाइप के, यानी कि वो दूध जो सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है कैंसर, कैंसर कर सकता है। अगर फॉर्मेलिन उसके अंदर होगी तो कैंसर भी बन सकता है, तो वो बहुत ही ज्यादा। और सबसे जो बड़ी चीज है वो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा उनकी ग्रोथ को रोक सकता है, उनके मेंटल, उनको मेंटल डिसऑर्डर कर सकता है जी। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी कलर डेवलप नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें स्टार्च का मिलावट नहीं है, यानी कि ये प्योर है। प्योर है, इसको समझे हम, प्योर है ये। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम आपको दिखाते हैं इसमें, हम इसमें मिक्स करेंगे स्टार्च, फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसे कलर आता है। यानी कि अलग अलग तरीकों से परखा जा सकता है। यस यस मैम। देखिए, जो केमिकल हमने यहाँ पर डाला आप देख सकते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर का नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक तो ये साफ है और प्योर है। लेकिन अभी स्टार्च का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद और चीजें परखने में आ जाएंगी कि क्या आखिर में ये साफ है, ये शुद्ध है या फिर कुछ मिलावट है। अगर ये एडल्ट्रेशन होता है इसके अंदर तो ये ब्लू कलर आ जाता है, तो हम लोग इसमें स्टार्च मिक्स कर रहे हैं। ये तो बहुत इजी हो गया, अगर हम घर में भी करना चाहें तो उसमें स्टार्च मिला के हम कर सकते हैं। स्टार्च मिला के हम देख सकते हैं इसमें मिलावट है या नहीं। और ये आयोडीन सॉल्यूशन इजीली मिल जाता है, आपके किराना स्टोर पे मिल सकते हैं, तो ये हम घर में भी कोई भी कर सकता है। देखिए इसका शेड अब चेंज हुआ, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है अभी। आयोडीन से तो नहीं, लेकिन स्टार्च से काफी इसमें अंतर आया। अभी ब्लू कलर हो जाएगा ये, थोड़ा सा और हीट करेंगे। अच्छा, इसे हीट करना ज्यादा जरूरी होता है तभी वो डिसॉल्व होता है। हीट से क्या है ना, जो रिएक्ट है, जो हमारा आयोडीन है वो रिएक्ट करता है मिल्क के साथ, स्टार्च के साथ, और वो ब्लू कलर आ जाता है। ठीक है, देखिए बिल्कुल ये ब्लू कलर, ये हम चाहेंगे हमारे दर्शक इसे देख पाए कि आप देख सकते हैं इसके नीचे अगर पॉइंट आप देखेंगे तो वो ब्लू कलर का शेड इसमें आ रहा है। आयोडीन जो पहले मिलाया गया था उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे तो शुद्धता के पैमाने पर खरा उतरा, लेकिन जब स्टार्च का इसमें इस्तेमाल किया गया है तो उसके बाद आप देख सकते हैं डार्क ब्लू कलर का हो गया है, यानी कि शुद्धता इसमें नहीं है, ये दूध मिलावटी है। तो बेहद ही आसान तरीका है, अगर आप अपने घर में दूध लाते हैं और जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि आखिरकार ये दूध असली है या नकली, तो परख सकते हैं इतनी ही आसानी से। आयोडीन हालांकि आपको इजीली दुकानों में मिल जाएगा, लेकिन अगर आयोडीन नहीं मिलता है तो आप इस स्टार्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और स्टार्च के इस्तेमाल के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लू कलर हो जाता है और पता चल जाता है कि ये दूध जो है वो मिलावट है। कॉमन मिलावट है वो स्टार्च की करते हैं, इससे एक तो मिल्क बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे ये, आप अगर देखना चाहें ये जो नीचे की साइड आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का शेड आया है, ये बता रहा है कि दूध मिलावटी है। और इसी तरीके से अगर आप घर में भी जांचना चाहें तो घर में आप जांच सकते हैं कि किस तरह से आप जो दूध पी रहे हैं, जो पौष्टिक है, सेहत के लिए अच्छा समझा जाता है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए अच्छा जाता है, तो वो दूध किस तरह से आपके लिए हानिकारक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारी यहां पर हो सकती है नकली दूध आप यहां पर सेवन करते हैं उसका। तो
तो दूध को तो हमने यहाँ पर जांच लिया, परख लिया, और जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर जांच लेते हैं। अब सर हम किसका है? अभी हम डिटर्जेंट का टेस्ट करेंगे इसके अंदर। अच्छा, डिटर्जेंट भी कॉमन एडल्ट्रेशन के अंदर आता है, और डिटर्जेंट भी हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर भी कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग 2 से 3 ml मिल्क लेंगे, वही अप्रोक्स ऐसा कोई मिनिमम इतना कि जिससे टेस्ट हो जाए, उसका कोई ऐसा लिमिटेशंस नहीं। इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, और इसको 5 मिनट हीट के लिए रख देते हैं, बॉईल करेंगे, अगर इसके अंदर हम इसको फिर शेक करेंगे, अगर इसके फॉर्मिंग स्ट्रक्चर बनता है तो इसके अंदर एडल्ट्रेशन हो सकता है डिटर्जेंट का। तो इसमें जैसे ही हीट होगा, अगर इसमें फॉर्म डेवलप होगा तो इसमें डिटर्जेंट हो सकता है। जैसे कि हम पानी में अगर डिटर्जेंट को मिलाते हैं, वो झाग बनता है, फॉर्मिंग बनती है, फॉर्मिंग आता है, तो उसी तरह का कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई, फॉर्मिंग आ जाएगा इसमें अगर डिटर्जेंट के साथ मिक्सिंग है। तो ये सबसे कॉमन है, और इसके अलावा हम कर सकते हैं फिर इसमें फॉर्मेलिन वगैरह टेस्ट। तो फॉर्मेलिन उसका सेल्फ लाइफ इंक्रीज करता है, जैसे अपना जो रॉ मिल्क होता है वो 2 डेज चलता है, फॉर्मेलिन ऐड करने का 5 डेज से भी अबव चला जाता है। तो यानी कि इस तरह के जो पैकेट्स वाले दूध में ज्यादा संभावना बनी रहती है इसको लेकर, और क्योंकि वो प्रिजर्वेशन कर देता है मिल्क का, वो मिल्क को खराब नहीं होने देगा। तो सबसे ज्यादा आपका जो मिलावट है फॉर्मेलिन का ही होता है, क्योंकि फॉर्मेलिन आपका 7 डेज तक इंक्रीज कर सकता है। अच्छा, हम कई बार देखते हैं जैसे कि अगर आप दूध को बॉईल करें और उसको अगर दूसरे बर्तन में शिफ्ट करें, तो दौरान लास्ट में जो परत होती है वो बहुत चिकनी सी होती है, ऐसा लगता है कि कुछ प्लास्टिक ऑफ पेरिस या कुछ चूने का इस्तेमाल किया होगा। नहीं मैडम, वो एक्चुअली में होता क्या है, वो जो सिंघाड़ा होता है ना, सिंघाड़े का आटा मिक्स कर देते हैं, उससे क्या, उससे एक तो मिल्क थिकनेस बढ़ जाती है, मिल्क की गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, और उसके अंदर वाइटनेस बढ़ जाती है। तो सिंघाड़ा का जो आटा है उससे क्या करते हैं, वही 10 लीटर मिल्क लेते हैं ओरिजिनल, उसमें 40 लीटर वाटर मिला दिया, और फिर 2 से 3 kg सिंघाड़े का आटा मिला दिया, उससे क्या, उससे एक तो उसका मलाई जो उसका जमेगा वो थिक हो जाएगा, तो जो जो घर में यूज करता है उसको लगेगा कि एकदम प्योर मिल्क है, बिल्कुल, लेकिन होता नहीं है। और उसका जो मलाई निकल रही है जिसका शायद बाद में घी भी बने प्योर नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी मिलावट, एक उसमें हल्का सा शुगर भी मिला देते हैं, चीनी, जो चीनी मिलाने का मकसद होता है उनका कि जैसे कच्चा मिल्क होता है ना, हल्का मीठा होता है क्योंकि लैक्टोज होगा उसमें, तो ऐसी फीलिंग लाने के लिए चीनी भी मिला देते हैं उसके अंदर, शुगर मिला देते हैं। जी। अब ये शायद बॉईल हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, ये बॉईल हो रहा है, और ये इसके बाद पता चल जाएगा कि डिटर्जेंट। हाँ, अगर इसमें फॉर्मिंग है, अगर इसमें फॉर्म बन रहा है, देखो ये बॉईल हो चुका है, अगर इसके अंदर फॉर्म बन रहा है तो इसके अंदर हम ये बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि इसमें मिलावट है, ठीक है। देखिए, डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, लेकिन डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया है या नहीं इसका पता लगाने के लिए आप बस दूध में थोड़ा पानी की मात्रा उसमें मिक्स करें और उसे थोड़ी देर गर्म होने दें। अगर बॉईल होने के बाद कुछ फॉर्मिंग से दिखे, कुछ झाग सा बनता हुआ आपको दिखे, तो समझ जाइए कि इसमें मिलावट की गई है डिटर्जेंट। यस मैम, तो इसके अंदर देखो नहीं बनना, तो इसका मतलब ये मिलावट नहीं है। अगर इसके अंदर डिटर्जेंट होता तो इसमें फॉर्मिंग स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये कॉमन है, कोई भी अपने घर में कर सकता है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें केमिकल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सर ये बताइए, जैसे कि आपने पहले आयोडीन का इस्तेमाल किया, उसके बाद स्टार्च का किया, स्टार्च करने पर हमें पता चला कि ये मिलावटी है, डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पैमाने में तो वही उतरा कि वो मिलावटी है, मिलावटी है। यस। तो मैडम एक्चुअली में क्या ना, मिलावट करने का जो डिटर्जेंट मिलाने का जो उनका मिलाते हैं, तो इसलिए मिलाते हैं क्योंकि उसमें ना फॉर्म आपका उसका एक तो वो साइनिंग, उसमें साइनिंग बढ़ जाए, ठीक है, और साइनिंग, अच्छा साइनिंग से बढ़ने से मतलब उसका जो सेल्फ लाइफ है वो भी 7 डेज की चला जाए। तो ये डिटर्जेंट मिलाने का मतलब उनका यही होता है कि इसमें एक तो जी, तो बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं झाग इसमें नहीं बना है, यानी कि डिटर्जेंट का इस्तेमाल तो इस दूध के लिए नहीं किया गया है फिलहाल।
कुछ और भी क्या हम इसमें अभी मिलाकर देखेंगे दूध का, अगर और भी अभी हमें जांच करना होगा? यूरिया टेस्ट करते हैं इसका, दूध का यूरिया। तो यूरिया में क्या होता है, यूरिया वो मिक्स कर देते हैं जो अपना जो फर्टिलाइजर होता है और जो वो जो काफी खतरनाक है हमारे हेल्थ के लिए ना जी। तो बिल्कुल, तो उसमें क्या होता है ना, मिलावट करने के लिए यूरिया को मिला देते हैं ताकि उसका प्रोटीन लेवल बढ़ जाए मिल्कर, क्योंकि यूरिया के अंदर प्रोटीन अच्छा होता है। तो प्रोटीन लेवल बढ़ाने के लिए वो यूरिया का भी उसमें मिलावट कर सकते हैं। जी, एक बार यूरिया का हम अब टेस्ट कर लेते हैं, डिटर्जेंट का तो हमने कर लिया है। इसके बाद हम यूरिया का टेस्ट ही करने जा रहे हैं। तो दर्शकों को हमने दिखा दिया है कि किस तरह से आप देख सकते हैं ये जो परख नली है इसमें डाल के पता चल गया है कि डिटर्जेंट का इस्तेमाल तो आखिरकार इसमें नहीं किया है। सर अब यूरिया का हम टेस्ट कर लेते हैं, जिस जरह से आप बता रहे हैं कि उसके सब यूरिया का टेस्ट करते हैं। प्रोटीन के लिए ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। हम यूरिया के लिए भी इसमें 2 से 3 ml मिल्क लेंगे, कोई अप्रोक्स कोई ऐसा फिक्स नहीं है। अब इसमें हम कौन सा केमिकल मिलाएंगे उसके लिए? इसके अंदर ना हम आपका जो अरहर की दाल होती है ना उसका पाउडर इसमें मिक्स करेंगे और हम ये पाउडर मिला रहे हैं इसमें। मिलाने के बाद में कुछ मिनट्स के लिए इसको फिर हीट करेंगे। यानी कि देखिए आपके घर में सारी वो चीजें मौजूद है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई केमिकल लाके ही आप इनका अलग से टेस्ट करें। जैसा कि सर ने भी हमें बताया कि अरहर की जो दाल है उसका पाउडर बनाकर भी आप इसका टेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो कुछ देर के लिए हमने यहाँ पर इसे हीट के लिए रख दिया है, हीट के बाद पता चलेगा कि क्या इसमें यूरिया का इस्तेमाल किया गया है या फिर नहीं। जैसे कि सर ने यहाँ पर बताया कि यूरिया का इस्तेमाल प्रोटीन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, हालांकि दूध में प्रोटीन होता ही है लेकिन अगर उसमें पानी की मात्रा को ज्यादा मिला दिया जाए तो वो प्रोटीन बिल्कुल नहीं रह जाता और उसी प्रोटीन को वापस लाने के लिए इसमें यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो यहाँ पर पता चलेगा अरहर की दाल के पाउडर के इस्तेमाल से कि आखिरकार क्या इस दूध में यूरिया का इस्तेमाल किया गया है या फिर नहीं। एक्चुअली मैडम पाउडर मिलाने का जो यूरिया मिलाने का उनका मतलब होता है वो प्रोटीन की वजह से मिलाते हैं, क्योंकि जब सिंथेटिक मिल्क बनाते हैं ना तो उसमें जो प्रोटीन जो ओरिजिनल मिल्क होता है हमारा उसमें प्रोटीन जो सिंथेटिक बनाएंगे उसमें प्रोटीन होगा नहीं उतना अमाउंट में। तो प्रोटीन का लेवल इक्वल करने के लिए हाँ उसमें वो मिलावट कर यूरिया का मिलावट करते हैं तो ताकि प्रोटीन बैलेंस हो जाए। तो ये है प्रोटीन ये यूरिया मिलाने का उनका जी जी जी। और लेकिन वीरेंद्र जी यहाँ पर ये भी देखा गया है कि कई बार जैसे कि हम अगर ना स्टार्च का इस्तेमाल करें ना आयोडीन का इस्तेमाल करें तो कई बार हथेली पर रखकर भी टेस्ट कर लिया जाता है कि दूध असली है नकली अच्छा, है अच्छा। रेखा से भी उसका पता चल जाता है। मैडम एक्चुअल में वो ऐसा है वो जैसे हमारा रिफाइंड ऑयल मिल्क के अंदर मिला हुआ है तो हम अभी रखेंगे अभी वो भी करने जा रहे हैं। तो देखो ये अपना हो चुका है, हीट हो गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक लिटमस पेपर आता है मैडम अभी हमारे पास है अवेलेबल नहीं है तो वो लिटमस पेपर इसके अंदर ना वो डालेंगे, अगर यूरिया प्रेजेंट होगा इसके अंदर तो रेड से ब्लू शेड की तरफ जाएगा। जो लिटमस पेपर है ना हमारा रेड से ब्लू शेड की तरफ जाएगा तो फिर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर यूरिया मिलाया या नहीं मिलाया। ठीक है, अगर वो रेड ही रहा तो उसके अंदर मिलावट नहीं है यूरिया की, अगर रेड से ब्लू शेड की तरफ गया तो यूरिया मिलावट है। हमेशा कहा जाता है कि जो रेड सिग्नल होता है वो खतरे का सिग्नल होता है, लेकिन अगर यहाँ पे मिलावट की बात करें तो अगर ब्लू सिग्नल आपको मिल रहा है तो समझ जाइए आपको अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। बिल्कुल, अगर ब्लू रेड से ब्लू होगा तो इसमें यूरिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास लिटमस पेपर का है नहीं तो हम बता रहे हैं ये लिटमस पेपर भी आसानी से हम मार्केट से परचेज कर सकते हैं और ये कोई भी ले सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है। बिल्कुल, देखिए आज के जमाने में तो कई तरह की चीजें आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी कि आप उसका टेस्ट कर पाए कि आप जो चीजें खा रहे हैं वो मिलावटी है या नहीं। लेकिन अगर पुराने जमाने की बात करें जैसे कि मैंने बताया हाथ की हथेली पर रखकर जांच रहे थे और दूध पीते हुए अगर आपकी मूछे बन जाए तो समझ जाइए कि वो दूध जो है वो असली है और प्योर है। वो एक्चुअल में जो आप हथेली पर रखने की बात करें ना मैडम उसमें क्या है, उसमें अगर रिफाइंड ऑयल उसके साथ है तो वो अगर उसमें एकदम बिल्कुल एकदम साइन सा आए मिल्क के अंदर येलोइश कलर आए तो आप ये आप ऐसा हो सकता है फील हो सकता है कि इसमें इसके अंदर मलाई है लेकिन होता वो रिफाइंड ऑयल है, वो मलाई होता नहीं रिफाइंड ऑयल है। तो अभी हम जैसे मिल्क को मैंने ये लिया है
तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, चिकनाहट। हाँ, अगर हाँ अगर ये चिकनाहट आ रही है तो इसके अंदर रिफाइंड ऑयल मिला हुआ है, अगर ये चिकनाहट नहीं है इसके अंदर तो रिफाइंड ऑयल नहीं है। तो देखो इसमें अभी कोई ऐसी चिकनाहट नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें रिफाइंड ऑयल नहीं है और ये एकदम प्योर मिल्क है, ठीक है। और इसमें वाटर की मिलावट हम करने के लिए कुछ जो मिल्क में रहे वो सबसे ज्यादा तो वाटर ही मिलाते हैं ना मिल्क के अंदर, लेकिन पानी मिलाइए तो चलिए ठीक है पानी पी लिया, लेकिन अगर केमिकल का अगर इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए पानी अगर मिला रहे हैं तो मैं भी ये बोलूंगा कि वो पानी मिलाने का कोई मिलावट नहीं कर रहे, बिल्कुल है ना, बट अगर केमिकल मिला रहे और सबसे खतरनाक होता है मैडम बच्चों के लिए, क्योंकि बड़े लोग तो चलो एक बार को एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन छोटे बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट रुक जाता है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, उनका लंग्स इफेक्ट हो सकता है, उनका किडनी डैमेज हो सकता है। आप सोचिए जरा और इस चीज को फॉलो कीजिए, अगर आप अपने घर में दूध ला रहे हैं तो उसका टेस्ट इस तरीके से कीजिए। और क्योंकि देखिए फेस्टिवल का जो मौका होता है वो परिवार के साथ मनाया जाता है, अगर परिवार का कोई सदस्य अचानक बीमार पड़ जाए इस तरह की चीजों को खाने के बाद, तो सोचिए कि वो जो त्योहार है वो उस तरह से नहीं बनता है जिस तरह से हम उसकी अपेक्षा करते हैं, उसको मनाना चाहते हैं। चलिए दूध का तो टेस्ट हो गया, अब और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दही, दही में भी क्योंकि काफी मिलावट होती है तो दही का भी हम टेस्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही पनीर है और मावा भी है जिससे अक्सर मिठाइयां बनती हैं, उनका भी हम टेस्ट करेंगे। पहले हम दही का टेस्ट कर लेते हैं। हम दही को लेते हैं और दही में भी मैडम जैसे हमने बताया आपको, अभी हम बता रहे थे जैसे मिल्क के अंदर हम स्टार्च मिलाते हैं तो दही के अंदर भी जो सबसे प्राइमरी मिलावट है जो सबसे पहले मिलाते हैं वो स्टार्च की ही मिलावट करते हैं। स्टार्च से क्या उसका दही का वेट बढ़ जाता है और उनको फिर वो ये मुनाफे के लिए सब ये सब करते हैं लोग बिना। तो हम सबसे पहले इसके अंदर हम स्टार्च का ही टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसके अंदर भी जैसे हमने सेम प्रोसीजर मिल्क के लिए लिया था ऐसे हम इसमें हम 1 या 2 ग्राम ये अप्रोक्स है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और ये हमने दही लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा हम वाटर मिलाएंगे ताकि डिजॉल्व हो सके। जी ताकि डिजॉल्व हो सके तो हमने मिला लिया। हम इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे हमने वाटर मिलाया है, ऐसे मिक्स किया दही में, बस हमने पानी मिलाया है। यस अब इसको हम थोड़ा सा हम हीट कर लेंगे, वही 1-2 मिनट हीट कर लेंगे हल्का सा बॉयल होने पर, फिर हम वही आयोडीन सॉल्यूशन इसमें मिक्स करेंगे जी। अगर इसका कलर ब्लू कलर हो गया तो इसमें स्टार्च का मिलावट होगा, ठीक है। अगर पानी मिलाने से हाँ, पता चल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा हीट करेंगे 4-5 मिनट, इसके बाद हम इसमें आयोडीन मिलाएंगे तो आयोडीन मिलाने के 10-15 सेकंड के बाद में ये ब्लू हो जाएगा अगर इसके अंदर मिलावट है स्टार्च का। जैसे कि हम देखते हैं डब्बे में जो ज्यादा धरे आती है वो बहुत थिक होती है और खाने में वो टेस्टी होती है। हाँ तो जैसे हम तो किसी का नहीं लेंगे लेकिन एक्चुअली में क्या है स्टार्च जैसे जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट है स्टार्च तो मिलाती हैं क्योंकि उसको थिक बनाने के लिए। अगर जो ओरिजिनल आपका कर्ड होगा वो कभी इतना थिक नहीं हो सकता, तो वो लोग थिक बनाने के लिए उसमें ये सब चीजें मिक्स कर देते हैं, ये चीज रहता है। यानी कि बेहतर है कि आप अच्छी क्वालिटी का दूध लाएं, उसको चेक करें, फिर आप घर में ही उसे घर में दही बनाएं तो ज्यादा बेटर होगा। मार्केट में तो उनका मिलाना मिलावट होती है जिस तरह से जारी है, खाद्य विभाग भी लगातार अलर्ट है लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें रुकती नहीं है। देखिए मिलावट तो रुकनी नहीं कभी, वो तो चलता ही रहेगा, लोग मिलाते रहेंगे लेकिन हमें अलर्ट होने की बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल ये सही कहा डॉक्टर सर ने कि अब ये आपके लिए है, अपने लिए कि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो अलर्ट रहना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं और किस तरह का वातावरण है। और क्योंकि देखिए आप कमा रहे हैं तो अपने खाने के लिए, अगर खाने की चीजें आप बेहतर नहीं लेंगे, अच्छी क्वालिटी की नहीं लेंगे तो ये आपके लिए बेहद ही हानिकारक हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम अपने घर में बैठकर भी ये कर सकते हैं, इसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये चीजें हम अपने घर में रखें। टाइम ड्यूरेशन भी नहीं है कि ज्यादा वक्त यहाँ पे लग रहा हो, वो मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट की बात होगी। वो अपने घर में भी कोई भी कर सकता है,
तो अगर कुछ हम खा रहे हैं तो ये इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, अपने से ये तो कर ही सकते हैं। तो हम इसमें अभी ये मिलाएंगे स्टार्च का सॉल्यूशन, हल्का सा सेक करेंगे इसको। तो इसमें कोई मिलावट नहीं है, अगर ये मिलावट होता तो ये ब्लू शेड हो जाता। अब हम लोग इसमें स्टार्च मिक्स करेंगे तो हम दिखाएंगे कि कैसे ब्लू होता है। इसमें स्टार्च का इस्तेमाल किया था, मिल्क में भी वही सेम प्रोसेस है। देखिए कई तरह के जो मेजरमेंट्स है, जो जांच के तरीके हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं और एक एक करके आपको बता रहे हैं कि किस किस तरीके से आप जांच सकते हैं कि आप जो खा रहे हैं वो मिलावटी है या फिर नहीं। स्टार्च का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और केमिकल का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या वाकई। और ये देखिए जैसे ही सर ने यहाँ पर ये केमिकल डाला है उसके बाद इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया है। देखिए हमने स्टार्च उसमें मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में देखिए ब्लू कलर हो गया। तो अगर दही के अंदर मिलावट होगी, स्टार्च की मिलावट, तो ये हम आयोडीन सॉल्यूशन हमने डालने के बाद 5 सेकंड के बाद में कलर बिल्कुल डार्क ब्लू हो गया। तो आप देख सकते हैं ये मिलावट है। अगेन रेड नहीं बल्कि ब्लू, ब्लू आपकी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ही यहाँ पर खतरनाक है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये परख नली है ये ब्लू हो गई है जहां जहां पे ये केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। देखिए स्टार्च डाला गया, आयोडीन इसमें डाला गया है और पानी यहाँ पर डाला गया, हीट फिर इसको दी गई और उसके बाद जो रिजल्ट निकला है वो आपके लिए और हमारे लिए, हम सबके लिए सही नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा दूध लाएं, उसको परखें और उसके बाद आप घर में ही दही को जमाएं। तो ये हमारा स्टार्च का ये हो चुका है टेस्ट, यानी कि फेल साबित हुआ है। ये फेल जो दही हम लाए थे वो फेल साबित हुआ है इस टेस्ट में। और भी क्या दही को मतलब टेस्ट करने के तरीके हैं? और दही के अंदर हम वही यूरिया देख सकते हैं। वैसे अगर नॉर्मल हम घर में ही देखना चाहें केमिकल को हटा के, स्टार्च पानी और दही को मिक्स करके उसमें, हाँ दही के अंदर हम अगर जनरली विदाउट केमिकल हम टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्च का ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दही में सबसे ज्यादा स्टार्च ही मिलाते हैं और दही के अंदर ऐसा है कि यूरिया वगैरह बहुत कम मिलता है, क्योंकि दही ऑलरेडी 4 से 5 दिन चल जाता है जी, जी। तो उसमें यूरिया नहीं मिला सकते। तो सबसे कॉमन मिलावट ये सिंघाड़े का आटा होता है जी। उसको हम ये मिलावट करने का तो जो तरीका है इनका, सबसे पहले एक सिंथेटिक मिल्क लेते हैं ये लोग, वही आपका 2 kg आपका सिंघाड़े का आटा ले लिया और उसमें 40 लीटर वाटर मिला लिया और 10 लीटर ओरिजिनल मिल्क, ठीक है, उसके अंदर रिफाइंड ऑयल मिला दिया उन्होंने बैलेंस करने के लिए उसका फैट, चिकनाहट फैट बैलेंस, उसके बाद में उबाल दिया। उबालने के बाद में उसको दही बना दिया। तो दही जब वो बन गया और वो थिक बन गया, हाँ वो थिक बन गया, कि वो बहुत पौष्टिक है, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। जी जी जी। चलिए दही का कर लिया, अब हम चाहेंगे आप पनीर का एक बार टेस्ट करके दर्शकों को बताएं। पनीर क्योंकि हर कोई पनीर को बहुत पसंद करता है, पनीर की सब्जी लोग चाहते हैं कि हर 2 दिन बाद उनको मिल जाए, लेकिन पनीर कितना यहाँ पर इस पैमाने पर परखा जाता है इसको यहाँ पर देख लेंगे। देखिए अगर हम पनीर की बात करते हैं तो कैल्शियम से भरपूर होता है, बिल्कुल, और जो हम लोग कैल्शियम के लिए ही पनीर को यूज करते हैं और सबसे बड़ी जो मिलावट है इसके अंदर स्टार्च की ही होती है, जैसे मैंने आपको पहले दही में बताया, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स जितने जी भी स्टार्च उसमें स्टार्च तो कंपलसरी रहेगा ही मिलावट के, अगर हम मिलावट की बात करें तो स्टार्च मिलाने का उनका जो मकसद होता है वो भी वेट को बढ़ाना है, उसके पनीर के वेट को बढ़ाना है। तो हम वही इसमें स्टार्ट करेंगे, इसमें 2 से 3 ग्राम हम सैंपल अप्रोक्स ऐसे ले लेंगे। इसको क्रश कर लेंगे ताकि वो डिसॉल्व डिसॉल्व हो जाए वाटर के अंदर।
इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम फिर हीट करने के लिए छोड़ देंगे। हीट करने के बाद ये अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोग वही आयोडीन का इसमें सॉल्यूशन डालेंगे। अगर इसका भी कलर ब्लू कलर शेड आता है तो इसमें भी हम स्टार्च की मिलावट चेक कर सकते हैं। और ये बड़ा इजी है, आयोडीन सॉल्यूशन हम कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये एसिड होता तो बैन होता, ये एसिड नहीं है तो ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, आप कहीं भी यूज कर सकते, ले सकते हैं। यानी कि स्टार्च या तो फिर आयोडीन, हाँ, ये दोनों ही, ये दोनों चीजें कहीं से भी ले सकते हैं। लाइक मेडिकल स्टोर, आपका परचून का जो दुकान होगा उसके पास ये मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हम अपने घर में बैठ के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसके अंदर भी जैसे मैंने बताया रिफाइंड ऑयल भी हम मिक्स करते हैं ताकि लेबोरेटरी में जाए और फैट ये बैलेंस कर सकें। तो फैट के लिए हम इसमें रिफाइंड ऑयल भी हम मिला देते हैं। और जो सबसे बड़ी इसमें मिलावट होती है वो आपकी फॉर्मेलिन की होती है, क्योंकि फॉर्मेलिन मिलाने का उनका जो मकसद होता है वही सेल्फ लाइफ, जैसे मैंने आपको मिल्क में बताया होगा। तो सेल्फ लाइफ हम 6 से 7 डेज या 10 डेज कर देते हैं इसमें फॉर्मेलिन मिलाने के लिए। और आजकल तो हम लोग देखते हैं जो फिश वगैरह टेस्ट करते हैं जी। तो फिश भी फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में डिप होकर के आती है, तो जो ताकि वो एक तो फ्रेश बनी रहती है और जो फिश खाने वाले हैं उनको लगता है एकदम लजीज है, शानदार टेस्ट है, ताजा है। तो फ्रेशनेस फील करता है, जबकि वो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है, कैंसर बनाता है सीधा। फॉर्मेलिन इतना हमारे हेल्थ के लिए, यानी कि आप लोगों पर डिपेंड करता है।